हेलो बच्चों, क्लास 8 में इंग्लिश में आपका थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है। इससे पहले आपने दो चैप्टर पूरे कर लिए थे बच्चों, और दोनों की एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा दी थी। और आज ये थर्ड चैप्टर है, और अब स्कूल बेटा लास्ट वीडियो है स्कूल आपके। इसके बाद समर हॉलीडेज़ के लिए बंद हो रहे हैं, तो ये चैप्टर पूरा मैं समराइज़ करा दूंगा आपको। फिर जब आपके स्कूल ऑनलाइन वीडियोज़ फिर शुरू होंगी या फिर स्कूल क्लास शुरू होगा, तो क्लास में एक बार चैप्टर फिर रिवाइज कराऊंगा। और उसके बाद अगर क्लास शुरू नहीं होते हैं तो ऑनलाइन वीडियोस में आपके मैं पूरी वीडियोस जो है वो बना के आपको दिखा दूंगा बेटा, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा इस चैप्टर को समराइज कर रहा हूँ बच्चों। बहुत प्यारी सी कहानी है, क्रिसमस ईव पर है ये। एक न्यूली हस्बैंड होते हैं, न्यूली हस्बैंड और न्यूली वाइफ, तो न्यूली कपल होता है। तो जो क्रिसमस इनका फेस्टिवल आने को होता है, तो इस क्रिसमस फेस्टिवल पर दोनों एक दूसरे को एक बहुत सबसे ज़्यादा अमूल्य तोहफा देना चाहते हैं। जिम के पास एक बहुत पुरानी खानदानी एक घड़ी होती है, गोल्डन वॉच। उसके पास सोने की घड़ी होती है जिस पर वो बहुत घमंड करता है, गर्व करता है, प्राइड महसूस करता है। और डेला जो कि हस्बैंड वाइफ है, जिम हस्बैंड है, डेला वाइफ है। डेला के बहुत सुंदर से बाल होते हैं, लंबे घने काले, और बहुत सुंदर बाल होते हैं जिस पर डेला भी गर्व करती है। और ये दोनों उस जो है जिम और डेला फैमिली की परिवार की दो ये अमूल्य चीज़ें होती हैं। और जिम जो है बहुत मामूली सी क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है, काफ़ी कुछ पैसे वो अपने हिसाब से कमाता है, पर गिफ्ट देने की बात जहाँ आती है तो उसकी सैलरी कम पड़ जाती, तो इसलिए वो दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस ईव पर गिफ्ट देना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, जिम अपने ऑफिस चला जाता है, और जिम जो है काफ़ी देर देखने के बाद उसे डेला के लिए बहुत सुंदर सी चीज़ मिल जाती है और वह लेके चला आता है। इधर घर की कहानी ये होती, घर में डेला बहुत बहुत जो है खुश महसूस कर रही है खुशी में। और वो बार बार अपने शीशे के सामने, अपने घर में लगे शीशे के सामने अपने बालों को निहारती है, देखती है। और शायद उसने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं इन बालों को अपने से अलग करके रहूँ अलग करूँगी, और इन बालों से मैं जिम के लिए कोई तोहफा लेके आऊँगी। तो ये सोचकर वो सीधे बाजार चली जाती है, मार्केट चली जाती है। पार्लर में जाने के बाद जो उसने अपनी सेविंग की होती है, कुछ पैसे अपने सेविंग बचाए होते हैं और कुछ अपने बालों को, सुंदर बालों को बेचकर, और फिर अपने कर्ली बाल, सुंदर कर्ली बाल करा लेती है। और उस बालों को बेच के वो जिम के लिए एक सुंदर सा तोहफा खरीदती है। अब बारी आती है शाम के समय। शाम के समय घर में सारा कुछ खाना वाना बनाने के बाद, केक बनाने के बाद, और जो सारी डिशेस होती हैं वो बनाने के बाद, डेला अपने हस्बैंड का वेट करने लगती है। कैसे वो आएगा, जब वो आएगा तो वो अपना सबसे महंगा तोहफा, अपना मूल्यवान तोहफा उसे देगी, गिफ्ट करेगी। जब शाम को घर आता है तो सबसे पहले जिम डेला के बाल को देखकर मुस्कुराता है, पर उसे थोड़ी निराशा होती है। वो बैठ जाता है पर बोलता कुछ नहीं है। अब डेला बोलती है, विश करती है और अपने गिफ्ट को उसे देती है, उपहार को देती है, और क्रिसमस विश करती है। और जब वो निकाल के देती है तो वो तोहफा होता है जिम की सुंदर घड़ी के लिए, सोने की घड़ी के लिए, प्लेटिनम की चेन होती है, वॉच चेन होती है जो बहुत सुंदर होती है। इसे देखकर जिम और थोड़ा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। फिर वो पूछती है, बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा अच्छा लगा। फिर बाद में जिम जब जिम की बारी आती है तो वो सोचता है, वो कहता है चलो रहने दो, थोड़ा टालने की कोशिश करता है वो कि अभी वो खुश है तो नाराज़ हो जाएगी या उसकी खुशी चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। पर वो मानती नहीं है, वो उसे पता होता है कि हाँ जिम भी मेरे लिए कुछ तोहफा लाया है। तो वो इंसिस्ट करती है, उसे फोर्स करती है, तुम भी अपना प्रेजेंट दिखाओ मुझे। तब वो अपना प्रेजेंट दिखाता है, वो उसे गिफ्ट पैक दिखाता है। उसमें जब वो खोलती है
तो जिम मुस्कुराकर एक तरफ खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, और जीला डेला उसे खोलकर बहुत ज़्यादा दुख महसूस करती। वो ही था, जब वो खोलती है तब तो उसमें सुंदर कंगों का, चांदी के कंगों का एक सेट होता है। तब उसने कहा, डेला ने कहा थैंक यू, कहा बोले कॉम्प्लीमेंट्स में कि हाँ तोहफा तो बहुत अच्छा है, पर जो तुम्हारा तोहफा है, तुम्हारे तोहफे के लिए मेरे पास घड़ी नहीं है, वो घड़ी में बेच दी है। इस तरह से दोनों ने अपनी अमूल्य संपत्ति से एक दूसरे को प्रेम स्वरूप अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं से गिफ्ट दिया। बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए कि दोनों में से पूछा जाए तो किसका बलिदान ज़्यादा महान है, जिम का या डेला का? आप सोच के बताइएगा। तो ये थी बेटा चैप्टर, पूरा चैप्टर ये था, पूरे चैप्टर की समरी ये थी। और अब इसकी मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। पहले तो ये करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चन, इसका हाउ मच मनी डेला हैव, डेला को कितने पैसे चाहिए थे? तो $1.80, 87 सेंट्स, ये इसका आंसर सही है। हाउ मच मनी डेला गॉट इन रिटर्न ऑफ हर हेयर, और जब उसने अपने बाल बेचे तो इसे कितने पैसे मिले? $20, $20 मिले। उसके बाद बच्चों, वॉट डिड जिम सेल इन ऑर्डर टू प्रेजेंट टू गेला, डेला को गिफ्ट देने के लिए प्रेजेंट उसने क्या किया अपने? तो अपनी घड़ी बेच दी, सोल्ड हिज वॉच। नंबर फोर्थ है, वट डिड जिम ब्रिंग टू डेला, जिम डेला के लिए क्या लाया? सेट ऑफ कॉम्ब्स, कंगो का सेट। हु ब्रॉट गिफ्ट टू बेब इन द मैनर, तो दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट दिया। ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग मेजाई कहलाते हैं। उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाओ बच्चों। पहले में फर्निश्ड और आगे $8। उसके बाद सेकंड में है, टुमारो वुड बी क्रिसमस, टुमारो वुड बी क्रिसमस, फिल इन ब्लैंक्स में, एंड $1.87 दूसरे में फिल करोगे। थर्ड, इन द नेक्स्ट 2 आवर्स उसमें भरोगे ट्रिप्ड। फोर्थ है, जिम क्विकली वॉक आउट ऑफ हिज ट्रेंस। और फिफ्थ में बच्चों, इन्वेंटेड और गिविंग क्रिसमस। तो ये सारे फिल द ब्लैंक्स और करेक्ट चॉइस वाले क्वेश्चन हुए। अब मैं इसकी एक्सरसाइज, जो नीचे ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चों, ये आपको इस तरह से की हुई, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो में बनाया हुआ बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पूरा देख लेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी विच सजेस्ट। नंबर सेकंड क्वेश्चन इसका आंसर साथ में, उसके बाद है नंबर सेकंड है, व्हाई डिड डेला हेजिटेटेड बिफोर गोइंग अहेड, वो आगे जाने से क्यों हेजिटेट हो रही थी। थर्ड है, डिस्क्राइब जिम्स अपीयरेंस, जिम्स की अपीयरेंस बताइए, ये भी क्वेश्चन साथ में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ बच्चा, डिस्क्राइब हिज रिएक्शन टू डेला, डेलास पर रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, व्हाई डिड डेला रिपीट, डेलास रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फिफ्थ नीचे ही था बच्चों, ये डिस्क्राइब जिम एंड डेला, और सिक्स यहाँ था, तो ये पूरा कर लेंगे बच्चों। इस तरह से आपको ये सब करना है, हॉलीडे होमवर्क में 3 चैप्टर आपको पूरे करने हैं, ये क्वेश्चंस करा दिए। और आपको बेटा पैसिव एक्टिव वॉइस की पूरी एक्सरसाइज करनी है, और आपको प्रीपोजिशन बताएं वो पूरे करने हैं, और मैं कुछ वर्ब्स दूंगा, 50 या 100 वर्ब्स देंगे बेटा, वो उसकी आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म अपनी कॉपी में हॉलीडे होमवर्क के रूप में लिखोगे। समझ में आया? वर्ब्स, क्रियाएं,
वो 100 वर्ब्स आपको पूरी करनी है कॉपी में, फर्स्ट फॉर्म उसकी हिंदी के साथ, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।